एटीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बृजमोहन की खास रिपोर्ट। बुलंदशहर गुरुकुल की छत गिरने से दर्दनाक हादसा, दो छात्र समेत 5 लोग दबे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर सभी को मलबे से बाहर निकाला। हादसे में 15 वर्षीय छात्र चंदन की मौत, 5 घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया। मृतक बच्चा झारखंड का रहने वाला था और गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहा था। डॉक्टरों ने सभी घायलों को हायर मेडिकल सेंटर किया रेफर। फिलहाल सभी घायलों की हालात स्थिर। कच्ची मिट्टी से चिनाई करके बनाया गया था गुरुकुल विद्यालय। पूरी तरह से ध्वस्त हुआ गुरुकुल विद्यालय। इस्कॉन टेंपल से जुड़ी हुई वैकुंठ संस्था चला रही थी गुरुकुल। निकाय स्कूल का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बीती शाम ग्रामीण गुरुकुल में रामायण का पाठ सुनने के लिए हुए थे शामिल। अचानक आंधी आने से गुरुकुल की दीवारें रामायण सुन रहे विद्यार्थियों और ग्रामीणों के ऊपर गिरी। घटना स्थल पर मौका मुआयना करने पहुंचे सीओ खुर्जा और एसडीएम खुर्जा। बुलंदशहर के जहांगीरपुर थाना क्षेत्र के गोविला गांव में स्थित गुरुकुल में हुआ हादसा। गिरने से हादसा हुआ है, क्या कुछ घटनाक्रम है? ये गोविला गांव की घटना है। कल शाम को यहाँ पे तूफान आया था, तो यहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। इस्कॉन टेंपल वाले इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे थे गुरुकुल के माध्यम, गुरुकुल के रूप में। तो वहाँ पे इनका संकीर्तन चल रहा था शाम को, तो इसमें दो बच्चों का हताहत होने की सूचना आई है, जिसमें से अभी पता चला है कि एक बच्चे की मृत्यु हो गई है कैलाश अस्पताल नोएडा में ही। और गांव के 3 लोगों की उसमें घायल हुए थे, जिसमें अब 3 के 3 आउट ऑफ डेंजर हैं। और जो बच्चे की मृत्यु हुई है उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है और उसके पोस्टमार्टम की सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कहाँ का बच्चा है? बच्चा झारखंड का पता चला है, अभी बताया गया है इनके माध्यम से कि झारखंड का रहने वाला था और यहाँ पे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था। और कुछ प्राथमिक जांच में निकल कर आया है कि मानक पूरे थे या किस तरह? अभी जांच प्रक्रिया जारी है, तो जब उसके बारे में पता चलेगा तो वो भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है।